नेक्स्ट टूल आता है पैटर्न। ठीक है, तो हमने पैटर्न अप्लाई कर लिया। पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक लीनियर, नंबर टू रेक्टेंगुलर, नंबर थ्री सर्कुलर। लीनियर में जो पैटर्न बनाएंगे वो एक ही डायरेक्शन में अपने मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। पैटर्न का मतलब मल्टीपल कॉपीज, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कॉपीज केवल एक डायरेक्शन में बनेंगे, एक्स में बनेंगे या फिर वाई में बनेंगे। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर, इसमें दोनों एक्स और वाई दोनों में एक साथ पैटर्न बनेंगे, ठीक है, तो दोनों एक साथ बनते हैं। नंबर थ्री आता है सर्कुलर, इसमें एक एक्सिस के चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट अपने पैटर्न बनाएगा। तो बारी बारी देखते हैं इन पैटर्न्स का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पैटर्न टाइप। देखिए, पैटर्न अप्लाई करने के लिए क्रिएट में जाके पैटर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले लिनियर पैटर्न ले लिया और यहाँ पे ज्योमेट्री, हमने इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लिया। इस ज्योमेट्री में ये जो लेंथ दी गई है, ये ऐसे ऐसे लेंथ H1 है 20 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर, तो इस बात को याद रखें। अब हमने इस ज्योमेट्री को अप्लाई कर लिया। अब एक डायरेक्शन देनी है, हम चाहते हैं ये ज्योमेट्री इस डायरेक्शन में अपने कॉपीज बनाए, इस डायरेक्शन में। तो अभी एरो इस साइड को है, हम चाहते हैं एरो इधर को हो, तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। अप्लाई और ऑफसेट 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए, जो ये लेंथ है इस जगह से लेके इस जगह तक, इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और अगर यहाँ पे ऑफसेट 20 रखेंगे तो जो नया ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा तो वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहेगा, क्योंकि 15 और 5 20 होता है। चलिए देखते हैं, और यहाँ पे कितनी कॉपीज चाहिए। इसके अलावा हमें तीन और कॉपीज चाहिए, जनरेट कर देते हैं। तो देखिए, तीन और कॉपी मिल गई और इन दोनों के बीच डिस्टेंस हो गई 15 और 5 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का गैप हो गया। यहाँ पे अगर हम 15 की जगह 16 कर लें, तो अब 15 + 1 यानी इनके बीच केवल 1 सेंटीमीटर का गैप रह जाएगा। ये देखिए, 1 सेंटीमीटर का गैप रह गया। और अगर हम यहाँ पे 15 कर दें तो ये गैप खत्म हो जाएगा और सब मर्ज हो जाएंगे आपस में। तो अभी हम 20 करके जनरेट कर देते हैं, तो ये मीनिंग है इसका। अब चाहें तो ये जो इसको एडिट करके इसकी जो एच की डायरेक्शन थी उसको चेंज कर सकते हैं। अप्लाई जनरेट, तो दूसरी डायरेक्शन में अब होने लगेगा, और दूसरे डायरेक्शन में इसकी लेंथ थी 20, तो इसे हमें 25 करना पड़ेगा अगर 5 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहते हैं। तो ऐसे अप्लाई होता है ये। इसकी जगह अगर हम पैटर्न को लीनियर की जगह एडिट करके कर दें रेक्टेंगुलर, अब देखिए, अब हमें दो डायरेक्शन देनी पड़ेंगी। तो पहली डायरेक्शन तो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, डायरेक्शन ये वाली एज। अब यहाँ पे दूसरी डायरेक्शन हमको ये वाली एज देनी पड़ेगी इस एज को। तो अभी डायरेक्शन एरो चेंज कर लेते हैं, अप्लाई और ऊपर 25 नीचे 20 जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पे कॉपीज चाहिए हमको टू जनरेट। तो ये देखिए, थ्री कॉपीज हो गई, मतलब इसके अलावा इस साइड को 2 बढ़ रहा है और आगे की तरफ 1 2 3 बढ़ रहा है। हम इनको करना चाहते हैं 5 और इनको करना चाहते हैं 3 जनरेट। ये देखिए, इस तरफ 3 हो गई, इस तरफ 5 कॉपीज हो गई। इसको हम टॉप से देखते हैं समय से, तो अभी इनके बीच गैप इवन है, क्योंकि ऐसे लेंथ H1 20 है, 20 + 5 25, और ये V2 15 है, 15 5 20। अगर हम इसको 30 कर दें और जनरेट, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा। और इसमें अगर कर दें 22 और जनरेट कर दें, तो ये 15 + 7 22 होता है, तो 22 गैप आ जाएगा यहाँ पे। तो यह रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब अगर हमें यूज करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ सर्कुलर पैटर्न, तो इसको एडिट करना पड़ेगा। और रेक्टेंगुलर की जगह अब हम लेते हैं ऑप्शन सर्कुलर पैटर्न का। तो एक बार इस व्यू को आइसोमेट्रिक कर देते हैं और ऐसे। आइसोमेट्रिक, अब यहाँ से बॉडी हमारी सिलेक्ट है, एक्सिस सिलेक्ट करनी है। एक्सिस सिलेक्ट करने के लिए इसको कमांड से बाहर चलते हैं और एक एक्सिस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए, अब हमारे पास कोई एक्सिस नहीं है। एक्सिस में जाने के लिए हमें एच की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो
एज, अभी हमें कहीं एज नहीं मिल रही क्योंकि ये अपनी बॉडी खुद का एज सिलेक्ट नहीं कर सकती है, तो हमें एक एज बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस कमांड को अभी डिलीट करते हैं और एक एज बनानी पड़ेगी। तो इस फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच करते हैं और अपनी तरफ नॉर्मल कर लेते हैं, जूम आउट करते हैं और एक लाइन बना लेते हैं थोड़ी दूर पे, वर्टिकल लाइन, और फिर से मॉडलिंग में आते हैं, इसको जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये व्यू मिल गया हमको, ये लाइन एज का काम करेगी जिसके चारों तरफ ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। फिर से क्रिएट में चल के पैटर्न सर्कुलर ज्योमेट्री हमारी ये अप्लाई, देन एक्सिस हमारी ये बनेगी अप्लाई, और इवन स्पेस और 5 सब्सटेंसेस की जगह 6 ले लेते हैं, 360 डिवाइड बाय 6 यानी 60 डिग्री। यहाँ से ये देखिए ऊपर से देखते हैं तो पता चलेगा कि इस पॉइंट से ये ओरिजिनल बॉडी है, ये बॉडी 60 डिग्री रोटेट होके यहाँ पे आ गया, 60 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके अपने मल्टीपल कॉपीज बना दिया इसने। अब अगर इसकी जगह हम इस पैटर्न में जाके इवन स्पेस में देख के हम दे दें, हम 45 डिग्री दे देते हैं, 45 डिग्री पे 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, जनरेट कर देते हैं। तो देखिए 4 ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन को मिल गए, ठीक है, यानी इस जगह से ये बॉडी 0 पे और ये बॉडी 45 डिग्री, ये 45 90 हो गया, ये 45 और ये 45, यानी कुल मिला के टोटल 180 डिग्री। ठीक है, 45 इवन स्पेस पे 4 ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इन ऑब्जेक्ट की काउंटिंग बढ़ाते हैं हम, सपोज दैट यहाँ पे अगर 6 कर दें और जनरेट, तो 2 ऑब्जेक्ट और इधर बढ़ जाएंगे। तो ये मीनिंग है 45 डिग्री का। अगर यहाँ पे 30 डिग्री कर दें और जनरेट करते हैं, तो जो 6 ऑब्जेक्ट होंगे वो 30 30 डिग्री पे आगे बढ़ेंगे। तो ये मीनिंग है इवन स्पेस का। ठीक है, इसको अगर एडिट करके इवन स्पेस को 0 कर देते हैं और यहाँ पे 6 कर देंगे, तो फिर से पहले वाला कमांड अप्लाई हो जाएगा, यानी ये 360 डिवाइड बाई 6, यानी उस हिसाब से सारी 6 बॉडी यहाँ पे रोटेट होंगी। तो ये कमांड रहे पैटर्न से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टूल्स के साथ।